नालासोपारा पूर्व के शिरडी नगर इलाके में बीच चौराहे पर तस्लीम अंसारी नामक व्यक्ति पर चाकू से वार करके उसे गंभीर जख्मी किया गया है। शनिवार की शाम जब तस्लीम अंसारी रास्ते से गुजर रहे थे तब कुछ नशेड़ियों ने उन पर हमला किया। लोगों को ये खबर मिलते ही उन्होंने इस घटना को देखा और तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को बुलवाया। तस्लीम को नज़दीकी अस्पताल में रखा गया है और उनकी हालत अभी बहुत ही गंभीर है। पिछले कई सालों से इस इलाके में एक दारू का अड्डा चलाया जा रहा है। तस्लीम अंसारी के भाई जावेद अंसारी ने इस बारे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कई बार कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन इस मामले में कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। शिरडी नगर के ब्लॉसम कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर जो दारू का अड्डा शुरू है उसके वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को कम करवाने के लिए कई बार कंप्लेंट देखिए दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी प्रकार की कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझती। नशेड़ी और गंजेड़ी यहाँ बैठकर नशा करते हैं और आए दिन किसी पर भी हमला कर देते हैं। इस वजह से इस इलाके में क्राइम का रेट बढ़ गया है। तस्लीम को नज़दीकी अस्पताल में फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई नहीं की, इसलिए तस्लीम को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। देखते हैं उनके परिवार वालों का क्या कहना है। करीब मेरे ऑफिस के पास शिरडी नगर में कुछ लोग उसके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो उतने में मेरी फ्रेंड पूजा ने उनको देखा वहाँ पे, वो उनको देख के भाग गए। फिर बाद में आधे पौने घंटे बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया आधे घंटे बाद कि आपके भाई को किसी ने तो उस तरह से मार दिया है। उसके बाद अभी उन्हें आईसीस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभी उनको आईसीस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, मैंने ब्लड लेके आया, उनका पूरा ब्लड लॉस हो गया है और अभी उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, अभी हालत बहुत गंभीर है उनकी। ये हमला किसने किया है, इस बात की कोई जानकारी? वहाँ के कोई चरसी गंजड़ी लोग थे जो हमेशा वहाँ बैठे रहते हैं, उठते रहते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक दारू वाला है जो 25 साल से दारू बेच रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस वाले आते हैं, उनसे मिलते हैं, अपना महीने का जो भी है वो लेके जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने कई बार ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, लिखित कंप्लेंट दी है कि इसको बंद कराए। हमारे कॉम्प्लेक्स में 25 साल से ये जो भी है उनका इल्लीगल तरीके से धंधा चल रहा है, दारू बेचते हक्का करके हैं। हमेशा अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर आता है उनके ऊपर तो एक छोटा सा पुलिस नॉर्मल कलम लगाती है, उनकी दो घंटे में जामीन हो जाती है, फिर उसी दिन आके वो दारू बेचना चालू करते हैं। वो एकदम गढ़ बना हुआ है चरसुल्लो गर्दुल्ले का, वो दारू पीते हैं वहाँ, लूटने मारने के चक्कर में किसी को भी चक्कू से मारते हैं, किसी को भी लूटते हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी जो सदानंद दाती जी हैं पुलिस आयुक्त, मेरा भाईंदर वसई विरार, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो हमारे ब्लॉसम कॉम्प्लेक्स शिरडी नगर नालासोपारा ईस्ट में जो 25 साल से इल्लीगल तरीके से दारू बेची जा रही है, जो गढ़ बना हुआ है चरसियों का गर्दुल्लों का, उसको बंद कराए। वो जब बंद होगा तो ही यहाँ पे वो लगाम लगेगा क्राइम से, नहीं तो नहीं लगने वाला है। बस ये मेरी उनसे गुजारिश है।